ऐसा हमारे भाई सैयद दस्तगीर का मर्डर हुआ। उससे 8 दिन पहले मेरे को कॉल आया था उनके साले का इलियास है, सैयद इलियास। उन्हें मेरे को फ़ोन करके बोला तुम्हारे भाई को मैं मार दे रहा हूँ, मेरी बहन को अम्मा बहन के नवाज रहा, मेरी बहन भी नहीं रहना चाहिए। उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पीएस में रिकॉर्डिंग दे दिया हमें। और कौन है हमारे सवाल? सैयद इलियास है उसका नाम। क्या काम करते हो? उन्हें किशनबाग पे छालिया की दुकान है उसकी, वो दुकान पे गुटके भी सेल करता हूँ। और रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ 3 महीने में बाहर आता हूँ, बोल के बोल रहा हूँ क्या कर लेते। बिल्कुल पुलिस से क्या अपील कर रहा है? मैं केसीआर साहब अपने कमिश्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि हमारे को इंसाफ होना है। ऐसा दिन वाले ने ऐसा मार देंगा इन्हें, हर किसी को, तो आगे हर दूसरों को भी मार सकता हूँ। और ये जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन रात में, इससे एक दिन पहले रात में हमारा भाई मेरे से बात कर रहा था सैयद दस्तगीर, मेरे को बुला के बोला इलियास हसन मेरे को ऐसा धमकी दे रहा है उन्हें, मार देता हूँ बोल रहा, तेरा फाइनल काम कर दिया मैं, जिसको पैसे देना उसको पैसे दे दिया, तेरा काम हो जाता बोल के ऐसा बोला इलियास। बोल के मेरे को बोला तो बोला तू पी नको चल जाएंगे पीएस को कंप्लेन करेंगे, बोले तो नहीं कल जाएंगे बोला हम। मैं बोला सुबह तक देखा मैं उन्हें, ऑटो ले लेके चलेगा, रात में सोगा सुबह ऑटो ले लेके चलेगा, आके देखे थे कि इंतकाल होगा उसको, उसको बोल के मारा था इलियास, तेरा काम कर दिया मैं, जिसको पैसे देना है उसको दे दिया, ये महीना आखिरी है तेरा। पुलिस स्टेशन में मैंने गया था, हमारे वालदा की तबीयत खराब थी, मैं पकड़ गया ना, हमारा भतीजा गया था पीएस में, वहाँ जाने से भादरपुरा पीएस। अपने अंदर भी कुछ डराए धमकाए क्या जान से मार देते थे? बीच में नहीं आना बोल रहे, बीच में आया तो फिर बात बेकार हो जाती बोल के बोल रहा हूँ। कौन बोले? इलियास बोल, रिकॉर्डिंग है ये, अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ भाई, मैं रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग रिलीज कर रहा हूँ, पीएस में भी है रिकॉर्डिंग है, आप भी रिलीज करो रिकॉर्डिंग। किशन बाग में इनकी दुकान है ढक्कन छालिया बोल के, कई बार उन्होंने रेट में भी पकड़े गए सो है, और उन्होंने पैसे खिला के बाहर निकलते घर से। अब ये पूरी प्लानिंग करके मर्डर करे सो है, एक दिन पहले हमारे भाई को बोल दिए सोचे नो सो कल्याण में बंदोबस्त, जिसको पैसे देना है दे दिया हमें, तेरा फाइनल होगा काम बोल के बोले सो है। 8 दिन पहले मेरे को बोले बीच में नहीं आना बोल के फोन करके, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ, आप रिलीज करो रिकॉर्डिंग। लव मैरिज करा था उन्हें, उनके वालिद साहब थे, हम लोग थे, बीच में ये शादी कराए जाके उन्हें कर लेता हूँ बोला, तो उसका भाई राजी नहीं था, भाई पहले से दुश्मनी थी उसके भाई की। 2016 तक उलंगा सही थे, उसके बाद खुला हो गया था हमारे घर से, साथ रह रहे थे, छोड़ दिया था, खुलानामा है हमारे पास, उसके बाद उन्हें क्या कर लिया हमारे को नहीं मालूम, बाहर आ रहा जा रहा था, उसने दुश्मनी और बढ़ गई थी इसकी और इसके साले की। और कुछ उन्हें कुछ देखा थे उसके बीवी के साथ, किसी को देखा क्या देखा, उन्हें पीले का क्या, मेरे हमारे बाहर ही ठहर के रोड पे गालियां वालियां देके बोल रहा था, ऐसा करी उन्हें वैसा करी, कौन की था वो ये बोल के ऐसा कुछ कर रहा था, उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे थे। अब हम तो देखे ना कुछ भी, जो उन्हें बोला वो बोला, और मेरे पास प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग है, आप सुन लो आप रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये 2009 में शादी हुई है बेटा, लैटिंग मार को कर लिए, साल दो साल लैटिंग मारिए, उसका ने 90 70 90 8 थे, पूरे बेच को जोरू को दिया, साले को दिया। अब उसके बाद क्या है बोले तो दोनों अच्छे से रह रहे थे, यहाँ से बोलते सुना खाली खाली चले गई, मैं यहाँ नहीं रहती बोल को जान दे बोल को छोड़ दी उसको, बोलते सुना फजायत के दफ्तर को बुला ले जा को खुला नामा लिए, मेरा बच्चा पकड़ को रोया, देख सैदा मेरे को नक्को छोड़ सैदा बोल को रोया, कितना रोए तभी नहीं सुनी उन्हें, भाई खुला लेती उछ लेती मेरे को खुला ले ली, ले लेने के बाद से बांड पेपर पर लिख को पूरा सामान उठा यहाँ से, सोना सामान जो जहर दिया था कपड़े उपड़े पूरे उसके उठा को, इलाज इलाज भी उन्हें दोनों मिलकर साइन करके सामान उठाई। हम मेरे से दस्तगीर को कुछ भी कंसर्ट नहीं है, मेरा मर्द नहीं होता, अब वो बोल को चले गई, जाने वैसे खामोश हो गए कितने के दिन थोड़े, जब तो 3 थे अब किसके है कि 2 है, 5। तो उन्हें जाने के बाद से क्या हुआ बोले तो उन्हें परसों जाकर था, उन्हें अच्छे तरह से टिकता धोके ला रहा था, खा रहे थे मजे से रह रहे थे, तल्लाक के बाद भी ना साथ रह रहे थे, दो साल नहीं रहे, 2-3 साल नहीं रहे, उसके बाद फिर कैसा आशकी हो गई, फिर मिल गए मिल को फिर को रहे लोग, तो परसों क्या करा बोले तो इतना भर को लाता था बच्चों के वास्ते जोरू के वास्ते खाने, तो जोरू क्या करी बोले तो सुबह में 10 बजे चली गई, रात में 10 बजे चली गई, कहते इसको नींद लगे से देख ही चली गई, ब्याह को बोलते सुबह में 5 बजे आई, कहते कहाँ गई थी रितु बोले तो तेरे को कहीं कुरे में कहीं भी गई थी किधर भी गई थी,
मैं कहीं भी सोने गई थी, मैं उनको बोलती थी कौन मरद बर्दाश्त करेंगे। इन्हें गालियां दिया, इन्हें गालियां दिया था। आकर लियास को बोले तो लियास बोलते माँ हमारे बच्चे से वो फोन पे बात कर को रिकॉर्डिंग कर लिया बच्चा मेरा। आकर बोलते उसमें क्या बोला, मैं खत्म कर देता हूँ दस्तगीर को, मैं खत्म कर देता हूँ, मेरे को बाद में बोलना नहीं तुम लोग। तो इन्हें बोला देखो भाई साला साला होना, मैं खत्म कर देता हूँ उसको, उसके बाद बोलते सब मेरे को बोलना नहीं। कहते देखो वो जो भी जाने वो मरद जाने, मिल को खाते हैं मिल को रहते हैं, बीच में हम लोग तो नहीं आते, उन्होंने जाने उन्होंने जाने, क्या करना है कर लो भाई तुम, बोलते इन्हें बोला। देखो उसको मैं खत्म कर देता हूँ, उसके बाद तुम पालना को बोला जोरू को बच्चों को। कहते उसको तो हमारा बच्चा बोला जोरू बच्चों को हमें कहीं को पालते, भाई रहता रिश्तेदारी, भाई जाने वाले हमारे कहीं की रिश्तेदारी। गालियां दे लेते हुए क्या बोलता है गलीज गालियां, माँ की गाली देते हुए बोलता है माँ की बस्ती में सब बोल रहे मेरे को, तू कैसा है रे, तू गांडू है, तू बस्ती में सब बोल रहे कहते, तू खत्म कर दे उसको, तू खत्म कर दे बोलकर बोल रहे कहते, कौन कौन बोली थी बस्ती में, तू खत्म कर दे उसको, बस्ती में सब जने बोलते है करने से, मैं ये खत्म उठाता हूँ, मैं उसको काट डालता हूँ, मैं टुकड़े बना देता हूँ। एक ही हमारे बच्चे किसी के घर को लड़ने जाते नहीं, किसी के घर को झगड़ने जाते नहीं, उन्हें एक ही जने दुश्मन था। कोई कोई नहीं था जोरू मरा, उसके झगड़ को पकड़ा उन्हें, उसके झगड़ को पकड़ा, असली बात मेन वो है, उसके झगड़ को पकड़ने से उन्हें वो औरत के तो रोज के रात के 5,000 की औरत है। कहते कौन औरत कमाती है 5,000, बोले बेटा कौन तो कमाती है 5,000 रहते हैं अब सब भाग गए कोई घर में ऐसा करको कि ये करें। देखो मेरे बच्चे पुलिस स्टेशन को तो मैं जाने के लिए खुद में नहीं थी, रात में मैं नहीं गए सके, बच्चा बोलते सुना रिकॉर्डिंग सुना तो क्या बोला, अभी पकड़े किसी को कुछ भी अपडेट नहीं दिया, पकड़े तो नहीं। कमिश्नर ऑफ पुलिस से कुछ अपील करना चाह रहे हैं, कुछ गुजारिश, उसको जेल होना, उसको सख्त सजा होना। मैं तीन महीने में जाता हूँ आता हूँ, मेरा काम ही चुवो है, बोल रहा हूँ लियास मेरा काम ही चुवो है, मेरे पर कई पैसा है, मेरे को क्या कर लेते पुलिस वाले, मैं जाता हूँ आता हूँ, अब अल्लाह को मालूम, जाता हूँ आता हूँ, फिर आने के बाद से मेरे घर पे हल्ला नहीं करना, मैं ऐसा खत्म करके मैं चले जाता हूँ जेल को, आने के बाद जेल को जाने के बाद से हल्ला नहीं करना मेरे ऊपर, मेरे बच्चों को, मेरी जोड़ी को, मेरी जोड़ी बच्चों को हल्ला नहीं करना, अगर करे नहीं मैं आकर तुम्हारे लोगों का एक एक का बताता हूँ। उस वास्ते बाहर आज से मैं मतलब बैठते सामने रहता, सामने रहता, चोरी का घुट्टा बेचता भाड़ को, चोरी का घुट्टा सागर घुट्टा वही बेचता, पहले चोर था उन्हें दुनिया का सोना चांदी चुरा कर लाकर बेचा, और लेटर टाप टाप वो चोरी लगा कर बेचा, दुनिया के पुलिस वाले आकर घर की इसकी इंक्वायरी करे, उन्हें बदमाश चोर है, उन्हें पक्का चोर है। आपके हिसाब से उन्हें मारा बच्चे और हिसाब से नहीं चेता वाली देखो मारा पक्का उन्हें बोले थे क्या इंतकाल से पहले आपके बच्चे ऐसा कुछ होने वाला है, अम्मी मेरे को डर है ऐसा? नहीं नहीं पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए, वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।